नमस्कार मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 31 अक्टूबर 2013 को गुजरात के गांधीनगर में दिया मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि दुर्भाग्य से हमारे मन में अभी भी गुलामी का इतना बोझ है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी हम गुलामी की छाया से निकल नहीं पा रहे हैं और हमें गुलामी की छाया से निकलने के लिए ऐसे काम करने होंगे जिसके कारण हम गर्व के साथ दुनिया के सामने खड़े हो सके नर्मदा जिला छोटा जिला है इसके विकास के लिए इस डैम की सुरक्षा के लिए आने वाले दिनों में ये काम और सरलता से हो इसके लिए शासन की तरफ से प्रशासनिकीय व्यवस्थाओं में अनेक अनेकविध निर्णय होते रहे हैं लेकिन इन सबको एक मूल्यांकन करने के बाद सरकार को लगा कि अच्छा होगा इस काम को गति देने के लिए यहां एक छोटे से तालुका का निर्माण हो और इसलिए गरुड़ेश्वर अलग तालुका बनाने का सरकार ने निर्णय किया है और अब जब गरुड़ेश्वर एक तालुका बन जाता है तो जिस काम के लिए एक छोटी सी अथॉरिटी बनाने का विचार हुआ था उसकी अब कोई जरूरत रहती नहीं है और इसलिए इस तहसील के तहत आने वाले दिनों में हम काम करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं मित्रों इस काम के लिए उसी प्रकार से कुछ सुझाव आए थे उपरवास में पानी मिलने के लिए मैं मानता हूं कि मेरे आदिवासी भाइयों का इस पर पूरा अधिकार है वो पानी उनको मिलेगा इसी प्रकार से कर्जन योजना की गोरा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चे, चे, में से वहां के किसानों को पानी मिले ये लंबे अरसे से मांग रही है टेक्निकल सॉल्यूशन हमने भी खोजा है और इसलिए उस क्षेत्र के लोगों को भी पानी मिलेगा नर्मदा का डाबा कांठा यानी बाइंगोर का जो किनारा है उन्हें भी नर्मदा का सिंचाई का लाभ मिले उस दिशा में भी सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में उस कार्य को संपन्न किया जाएगा मित्रों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था जिसके कारण नर्मदा नदी पर ये सरदार सरोवर बांध और इसी सरदार सरोवर बांध से नर्मदा का जल गुजरात और राजस्थान में पहुंचाने का प्रयास मित्र किसी जमाने में कोई एक अगर पानी की परब भी बना देता था अगर अपने घर के बाहर आने वाले जाने वाले लोगों के लिए एक पानी की मटकी भी रख देता था तो उसके प्रति समाज सालों तक बड़े गर्व के साथ आदर के साथ उस परिवार को देखता था हमारे यहां पानी का सर्वाधिक मूल्य है विशेषकर गुजरात और राजस्थान में क्योंकि हम पानी के संकट को झेलते आए हैं हमारे अंदर इतनी उद्यमशीलता होने के बावजूद भी एंटरप्रिनरशिप होने के बावजूद भी हमारी काफी शक्ति पानी की व्यवस्था में लगी रही आज भी आज भी गुजरात सरकार का सर्वाधिक बजट किसी एक काम के लिए देना पड़ता है वो पानी के लिए देना पड़ता है मैं तो इतना ही नहीं सरदार सरोवर योजना का शिलान्यास पंडित नेहरू जी ने किया था तब से अब तक कई सरकारें आई उन सब सरकारों ने सरदार सरोवर योजना के लिए जितना खर्च किया उससे डबल खर्च इसी दस वर्ष में इस सरकार ने किया क्यों क्योंकि हमें हर किसान के पास हर इलाके में जो योजना बनी है वो पानी पहुंचाना उसके लिए हम लगे हुए हैं लेकिन इस सारे काम का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था ये उन्हीं के सपने पर काम हो रहा है और उन्हीं के सपनों को साकार करने का प्रयास हो रहा है भाइयों बहनों अगर हम पानी की इन व्यवस्थाओं को न कर पाते तो आज हम कहां होते कौन पूछता हमको हम कच्छ को जानते हैं जनसंख्या कम होती जा रही थी नेगेटिव ग्रोथ था लोग छोड़ के चले जा रहे थे जब विश्वास हो गया कि पानी पहुंच रहा है और पीने का पानी पहुंचाया तो आज कच्छ के अंदर फिर से एक बार उठ खड़े होकर के दौड़ने की ताकत आ गई है राजस्थान मित्रों वहां कोई भी सरकार हो भाजपा की हो या कांग्रेस की हो कार्यकर्ता बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो किसी भी दल का हो लेकिन राजस्थान के किसी भी व्यक्ति से जब भी मिलते हैं अरे मोदी जी आपने बहुत अच्छा काम किया हमको पानी दे दिया नर्मदा का पानी दे दिया हर एक के मन में गौरव का भाव होता है ये काम के मूल में सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था भाइयों बहनों दुर्भाग्य से हमारे मन में अभी भी गुलामी का इतना बोझ है आजादी के इतने सालों के बाद भी हम गुलामी की छाया से निकल नहीं पाते हैं और हमने गुलामी की छाया से निकलने के लिए इस गुलामी के साय को तोड़ करके उठने के लिए कोई ऐसे काम करने होंगे जिसके कारण हम गर्व के साथ आत्मसम्मान के साथ दुनिया के सामने खड़े हो सकते हैं आज मैं आपको याद दिलाता हूं आज से पंद्रह सत्रह साल पहले हिंदुस्तान में जब बजट पेश किया जाता था वो बजट शाम को पांच बजे पार्लियामेंट में रखा जाता था हिंदुस्तान आजाद होने के पचास साल के बाद भी हमारे देश में बजट पार्लियामेंट में शाम को पांच बजे रखा जाता था किसी ने सोचा ये क्यों ऐसा था ये शाम को पांच बजे इसलिए रखा जाता था क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से वो परंपरा थी और जब हमारे यहां पांच बजते थे उस समय उनके यहां ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे का समय होता था और उनकी पार्लियामेंट चालू होने का समय होता था उसको जोड़ करके पांच बजे रखा गया था यह गुलामी की मानसिकता पचास साल तक चली वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तब पहली बार यह पांच बजे की परंपरा तोड़ी गई और सुबह ग्यारह बजे बजट रखने की परंपरा शुरू हुई कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे सोच में हमारे पूरी क्रिया प्रक्रिया में हमें पता तक नहीं होता है कि गुलामी किस कदर हमको दबोच रही है हमें मानसिकता से कितना दबा करके रख मित्र उसके सामने एक स्वाभिमान के साथ खड़े होने की आवश्यकता होती है पूरे विश्व में हिंदुस्तान के प्रति हीन भाव से देखने की आदत हो गई थी इंडियन ठीक है हिंदुस्तान चाहे हो चलो चलो बाजू में जाओ बाजू में यही दुनिया में चलता था जब वाजपेयी जी ने शासन में आने के कुछ ही महीनों में विस्फोट किया न्यूक्लियर टेस्ट किया सारी दुनिया ने हिंदुस्तान का लोहा मानना पड़ा यह देश सर ऊंचा करके खड़ा हो सकता है यह विश्वास पैदा हुआ और उसके बाद दुनिया की कोई ताकत था, अगर हिंदुस्तानी का नाम सुनती है तो एक बार तो देखती यार कुछ तो है मित्र दुनिया के अंदर हमारे देश का कोई नागरिक क्यों न हो हमारे देश की कोई परंपरा क्यों न हो आज के युग में समय की मांग है हिंदुस्तान आजाद होने के बाद भी दुनिया के देशों को गौरव के साथ अगर विश्व में देखा जाता हो हमारे हिंदुस्तान को क्यों न देखा जाए और इसलिए भाइयों बहनों किसी जमाने में चाइना को कौन देखता था लेकिन चाइना ने एक शांघाई बना दिया दुनिया के सामने सांघाई की ताकत प्रस्तुत कर दी सारी दुनिया को सांघाई दिखाने के ले आए लोगों की चाइना की तरफ सोचने की आदतें बदल गई वो पुराना चाइना नए रंग रूप के साथ सजा है वो शांघाई के आसपास एक नया इतिहास खड़ा होने लग जापान ने जब पहली बार बड़ी स्पीड की बुलेट ट्रेन बनाई तो दुनिया का ध्यान गया अरे भाई कुछ तो है अमेरिका को भी चांद पर जाने का सपना जगा और उसने अरबों खरबों पे खर्च किए डॉलर खर्च किए दुनिया के सामने अपना लोहा बनवाया भाइयों बहनों विश्व का हर देश और आज समय की मांग है कि हमने भी हमारा एक ग्लोबल पोजीशनिंग करना चाहिए सवा सौ करोड़ का देश विश्व के सामने अनेक तरीकों से एक ताकत के मन में उभर उभरना चाहिए वो अनेक मार्ग हो सकते एक ही मार्ग नहीं हो सकता अनेक क्रिया प्रक्रियाएं होती हैं और जरूरी होती है आज भाइयों बहनों ये सरदार पटेल का स्मारक सिर्फ सरदार सरोवर डैम बना सरदार साहब का सपना पूरा हुआ वो हमारे गुजरात के थे इतने सीमित हेतु के लिए नहीं है मित्रों सपना बहुत बड़ा है इस भव्य इमारत ये भव्य स्मारक उसकी ऊंचाई के कारण दुनिया को हिंदुस्तान की शख्सियत की ओर देखने के लिए मजबूर करेगी और यह देश दुनिया को कैसे दिशा दिखा सकता है इतने बड़े राजे रजवाड़ों को एक करने का भगीरथ काम अंग्रेजों की कूटनीति का पर्दाफाश भारत के नेतृत्व का धरती से जुड़े हुए नेतृत्व का सामर्थ्य हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं और मित्रों ये बात माननी पड़ेगी अगर इतिहास की धरोहर की ओर देखें तो चाणक्य के बाद इस देश को एक बनाने का प्रयास अगर किसी महापुरुष ने किया तो उस महापुरुष का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल